मेडिकल स्टोर व्यवसायी को ब्लैकमेल करके रुपयों की वसूली करने वाले दो मीडिया कर्मियों को गणेशपेट पुलिस ने वसूली के आरोप में रंगे हाथों दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में विनोद कल्याणी और आशीष वेस का समावेश है। बजरिया निवासी निशांत प्रमोद गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि निशांत सेंट्रल एवेन्यू रोड पर मेडिकल स्टोर चलाता है, जबकि विनोद और आशीष एक न्यूज पोर्टल का संचालन करते हैं। दोनों ने निशांत पर दुकान से प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर दबाव बनाया, खबर छापने और FDA से शिकायत करने की धमकी देकर 5 लाख की मांग की। डरे सहमे निशांत ने परेशान होकर गणेशपेट पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों मीडिया कर्मियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। प्लान के अनुसार सोमवार की रात 8 बजे विनोद और आशीष निशांत की दुकान पर पहुंचे। आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देने पर दोनों आरोपी 20,000 लेने के लिए मान गए। जैसे ही आरोपियों ने निशांत से रकम ली, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया। दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गणेशपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भारत क्षीरसागर ने बताया कि इस मामले में और भी आरोपियों का समावेश हो सकता है। पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक फार्मेसी दुकान दारान करून खंडनी चे प्रकरण चे फिर्याद प्राप्त झाला होता आणि त्या अनुषंगाने दोन लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखिल झालेली आहे। तपास सध्या सुरू आहे। आणखी काही आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता नकारता येत नाही। कायदेशीर बाबीचे अवलोकन करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। आरोपी मध्ये तथाकथित पत्रकार म्हणता येईल, कारण काहीतरी ID कार्ड त्यांचे होते, परंतु ते पत्रकार आहे अशा मला सांगता येत नाही, परंतु हो ID कार्ड त्यांच्याकडे पत्रकारांचे होता ही खरी गोष्ट आहे। नाही समजलं जी काही जे काही बेकायदेशीर कृत्य करत असतील त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई होईल। या प्रकरणात काही बेकायदेशीर गोष्टी समोर आली आहे का याबद्दल मला जाणीव नाही आहे। ते FDA चे विषय आहे, त्याबद्दल जर काही विषय समोर आला तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।